चलिए प्यारे दोस्तों, तो हमारे पाचन तंत्र में लास्ट वाला जो सेक्शन बचा हुआ है आज हम लोग उसको कंप्लीट कर ले रहे हैं। पिछले क्लास में आप लोगों ने जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव बातें पढ़ी हैं, होप सो आप उसको प्रॉपरली रिवाइज कर चुके होंगे। चलिए एक बार प्रॉपर रिविजन करते हैं, उसके बाद हम लोग आज इंटेस्टाइन मतलब कि जो हमारी छोटी आंत और जो बड़ी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, इसके पूरे पार्ट्स को इसके फंक्शंस को कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ साथ हमारा पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पाचन तंत्र है वो कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं ज्यादा सांवला दिख रहा हूँ, कारण यही है क्योंकि ब्राइटनेस लो रखा गया है ताकि आपको डायग्राम सही से दिखाई देंगे। चलिए कोई बात नहीं है, पढ़ाई में मेन फोकस होना चाहिए। तो जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिएगा कि चलिए बताइए कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है। तो आप सभी जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन मुख में होता है और बाकी के जो 70% पाचन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बाकी फैट का पाचन या प्रोटीन का पाचन कहाँ कहाँ होता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट कहाँ कहाँ होता है, तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि सर 50% जो प्रोटीन और फैट है वो स्टमक में मतलब कि जो अमाशय है हमारा वहां पर डाइजेस्ट हो जाता है, रेस्ट 50% जो है सर वो छोटी आंत में डाइजेस्ट होता है। तो जो छोटी आंत है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके बारे में बहुत सारी फंडामेंटल बातें हमने पहले से ही पढ़ रखी है, जान रखी है। अब आज कुछ और एडिशनल बातों को हम जानेंगे। वाटर का भी जो एब्जॉर्प्शन होता है आप सबको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। अच्छा, स्टमक से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लाने का काम करता है वो कौन करता है, तो सर वो होता है डेडोनम। और ये डेडोनम से जब खाना स्टमक में जहां पर 50% प्रोटीन और आप लोग का फैट का जो ऑलरेडी डाइजेशन हो चुका रहता है वहां पर क्या क्या होता है, तो मैंने ये सब बताया था कि मुख में जो खाने का डाइजेशन होता है जिसमें 30% आप लोग का कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस। अब ये बोलस कहाँ पहुंचता है, स्टमक में। वहां पर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होती रहती है स्टमक के दीवारों से और जो कि एक दिन में लगभग 2000 से 3000 मिलीलीटर के आसपास होती है, वो मिलती है और वो आपके फैट को प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के प्रोटीन और फैट का क्या करती है, डाइजेशन करती है और वहां पर काइम बनता है। क्या बनता है सर, काइम बनता है। वो काइम होता है, वो काइम आप सबने देखा था कि वो फिर क्या होता है, ये देखिए ये आपका स्टमक है, यहाँ पर काइम बना, ये इसके बाद किसके थ्रू, ये जो पाइप आप लोग को दिख रही है ना सर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही मेन पार्ट है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डेडोनम। डेडोनम वो सेक्शन है जहां पे बहुत सारी ग्लैंड्स आपस में आके मिल रही हैं। जैसे आप लोग देख रहे हो ये है पेंक्रियास, येलो वाला क्या है सर, पेंक्रियास। पेंक्रियास से आप सब लोग को पता है डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स और हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स में भी हमने ग्लूकागन, आपका इंसुलिन, सोमेटो, ये सारी जो थी हमारी हार्मोन्स, ये सारी चीजें यहाँ से निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा करके हमने इनका नाम रखा था। और ये सब सीधे सीधे किस में जाके जुड़ रहे हैं सर, डेडोनम में। और यहाँ से जो आपका ग्लॉल ब्लेंडर है, ग्लॉल ब्लेंडर से क्या निकलती है, पित्त रस, जिसको आप लोग बाइल जूस बोलते हैं। तो भैया स्टमक से निकला हुआ खाना उसमें पित्त रस आके मिलेगा, पेंक्रियाटिक जूस आके मिलेंगे और फिर वो खाना कहाँ पहुंचेगा सर, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये पूरा पार्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन विल बी फर्दर क्लासिफाइड इन टू थ्री डिफरेंट कैटेगरीज। अब वो क्या क्या कैटेगरीज है वो हम जानेंगे, बट जब एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंच जाता है तब आपको पता है कि यहाँ पर खाने का एक्चुअल पाचन यहीं पर होता है, जितने मिनरल्स होते हैं, इनफैक्ट नॉट ओनली कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, ऑल्सो डिफरेंट टाइप के विटामिन्स, आप लोग के मिनरल्स, ये सारी चीजें, पिगमेंट्स, ये सब का पाचन कौन करता है सर, स्मॉल इंटेस्टाइन करता है, जिसका साइज नियरली 6.25 मीटर के अराउंड रहता है। पूरा जो हमारा जो कहना चाहिए पाचन तंत्र मुख से लेकर जो हमारा लास्ट में रेक्टम तक रहता है, ये सभी पूरा मिला के अगर देखा जाए तो सर इसकी जो टोटल रेंज आती है, जो इसका पूरा का पूरा लेंथ आता है वो 8.5 मीटर 9 मीटर के अराउंड लिया जाता है, जिसमें 6.25 या 6.5 मीटर तो केवल आप लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन ही है, ठीक है। बाकी के 1.5 मीटर में आप लोग को पता है लार्ज इंटेस्टाइन आता है और रेस्ट जो पूरा पार्ट है जिसमें आप लोग का स्टमक, पेंक्रियास, आपका लीवर, गॉल ब्लेंडर, ये सब कुछ मिला जुला के सारा का सारा पाचन तंत्र यहाँ पर सम्मिलित हो जाता है। तो चलो अब एक एक सेक्शन को हम लोग को काफी डिटेल में पढ़ना है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, उसके क्या क्या पार्ट है, उसके फंक्शंस को तो हमने पिछले वीडियो में ही काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ लिया था। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए सारे फैक्ट्स आपके सामने मौजूद है, बस देख लीजिएगा, डेडोनम है, जेजुनम है और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट में बटा हुआ है, जैसा मैंने अभी बताया सर, 3 पार्ट में बटा हुआ है, डेडोनम, जेजुनम और इलियम। डेडोनम को क्या बोलते हैं, ग्रहणी। ग्रहणी का मतलब ही यही हो गया कि सर इसमें स्टमक से निकला हुआ जो खाना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइम। और यही खाना जब स्टमक में खाने का पाचन होकर जो निकलता है वो काइम कहलाता है, और ये खाना जब हमारे छोटी आंत पहुंचता है वहां पर जब खाने का पाचन होता है तब उससे क्या बनता है, काइल।
उसे क्या बनता है, काइल बनता है। फिर वो जो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है वहां पर क्या होता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उन लोगों को सोख कर बाकी के जो वेस्ट मटेरियल होता है सॉलिड फॉर्म में आगे कैरी ऑन कर दिया जाता है, जिसको बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकाला जाता है फेकल मैटर के रूप में, मतलब मल के रूप में। तो भैया वो जो बड़ी आंत में जब चीजें पहुंचती हैं उस समय आप लोगों को पता है कि खाने को किस नाम से जाना जाता है, फेकल मैटर मतलब मल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम द्वारा बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो चलो ध्यान से समझना कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये डेडोनम है। डेडोनम क्या है, एक समझ लीजिए कि मिक्सिंग पॉइंट है, या कहना चाहिए मिलन बिंदु है, जहां पर पेंक्रियाटिक जूस, जहां पर आप लोग के गॉल ब्लैडर से आने वाले कौन से जूस होते हैं सर, पित्त रस, जिसको बाइल जूस बोलते हैं। अब बाइल जूस में भी आप सबने अलग अलग सेक्शन को देखा था, एक एक चीज मैं आप लोग को यहाँ पे डिटेल में पढ़ा रहा हूं, और आपको जितना कंटेंट मिल रहा है आप यकीन कीजिए कि इसके बाहर अच्छे से अच्छे लेवल के भी एग्जाम होंगे, क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे, ठीक है। बाकी एमसीक्यू सीरीज तो मैं करा ही रहा हूं, तो मिलजुल के पूरा तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है, बेस्ट कंटेंट रहेगा, निश्चिंत होकर बस आप पढ़ाई कीजिए। तो डेडोनम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रहणी, या इसी को संग्राहक बिंदु का नाम भी दे सकते हो, ये संग्राहक पॉइंट भी बोल सकते हो। और ये डेडोनम जो होता है ना अनकॉइल्ड होता है, जैसे कि आपने साफ साफ डायग्राम में देखा, ये बिल्कुल ये आपका जो है ना सर ये डेडोनम है और ये अनकॉइल्ड है, ये कॉइलिंग के फॉर्म में नहीं है, यही आपका क्या सर डेडोनम है, जिसमें आप लोग के पेंक्रियाटिक वेन्स और आप लोग का गॉल ब्लेंडर से याद रखना पित्त रस गॉल ब्लेंडर में नहीं बनता, जो बाइल जूस होता है पित्त रस होता है वो कहां बनता है सर, वो लीवर में बनता है, उसका स्टोरेज कहां होता है सर, गॉल ब्लेंडर में होता है। पिछले क्लास में भी मैंने ये बात बताई थी कि अगर मान लीजिए कि किसी को गॉल ब्लेंडर का स्टोन हो गया, मतलब पथरी हो गई उसमें, तो कई बार डॉक्टर गॉल ब्लेंडर को बाहर निकाल सकते हैं, क्या लीवर को बाहर निकाल देंगे तो इंसान जिएगा क्या, बिल्कुल नहीं जी पाएगा। कारण क्या है, क्योंकि वो जो पित्त रस बन रहा है वो आपकी बॉडी में जो हाइड्रोजन कंसेंट्रेटेड हाइड्रोजन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो छिड़काव होता है जो इंटेस्टाइन पे गिरता है वे उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। क्यों न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, क्योंकि जो बाइल जूस होते हैं उनका पीएच वैल्यू लगभग 7.5 से लेकर 8.6 या 8.5 के अराउंड होता है, मतलब वो बेसिक सप्लीमेंट होते हैं, तो इस तरीके से वो न्यूट्रलाइज करता है। अगर बाइल जूस ही ना मिले, लीवर ही ना रहे, तो बाइल जूस कहां से, ठीक है। तो जब बाइल जूस नहीं बनेगा तो आपका पूरा का पूरा जो है ना वो इतना कंसेंट्रेटेड एचसीएल रहता है कि पूरा जला देगा, या अंदर ही अंदर अल्सर की बीमारी हो जाएगी, इंसान की मौत हो सकती है। इसीलिए बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, लीवर। और जो लोग दारू पीने वाले हैं, जो मनमाने पी रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा शौक के रूप में ले लिए वो अलग बात है, जिन लोग कंटिन्यू कंजप्शन कर रहे हैं अल्कोहल का, तो आपको पता है वो लीवर डैमेज करता है, वो किडनी डैमेज करता है, किडनी ब्लड प्यूरिफायर का रोल प्ले कर रही है और डिफरेंट टाइप के मिनरल्स को सब डायलिसिस करने का काम कर रही है। लीवर आप लोगों को पता है कि लीवर क्या कर रहा है, पित्त रस बना रहा है। इतने सारे लीवर के मैंने फंक्शन पिछले वीडियो में कराए, कम से कम 10 फंक्शन कराए लीवर के, ठीक है, तो वो सारी चीजें डैमेज हो जाती हैं। इसीलिए कोशिश करें कि भैया अगर आप एक्सेसिव कंज्यूम कर रहे हैं तो भैया उससे बचिए, ठीक है। दिमाग तो खराब होता ही होता है, बॉडी का पूरा फंक्शन खराब हो जाता है। चलो डेडोनम हो गया, दूसरा मैंने बोला सर जेजोनम। भैया देखिए यहाँ पर जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ये तीन सेक्शन में बटेगा। पहला जो अनकॉइल्ड सेक्शन है उसको हम लोग क्या नाम देंगे सर, डेडोनम के नाम से जानेंगे। दूसरा सर होता है जेजोनम। जेजोनम जो होता है ना सर ये थोड़ी सी कम कॉइलिंग होती है इसमें, तो ये ज्यादा कॉइलिंग नहीं रहता है। इसके बाद जो तीसरा वाला आता है सर, जिसको आपने किस नाम से पुकारा सर, इलियम। इलियम इज द फाइनल पॉइंट या लास्ट पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। खाना का पूरा पाचन है वो कहाँ होने वाला है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, जहां पर 70% कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा का डाइजेशन हो जाएगा, 50% प्रोटीन और फैट का डाइजेशन हो जाएगा। इसके अलावा मिनरल्स, पिगमेंट्स, वाटर, इन सभी चीजों को पचाने का कौन काम कर रहा है सर, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कर रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड होता है, उसका कौन सा पार्ट, इलियम, जिसको हम लोग शीशांत्र बोलते हैं, मतलब कि अंत हो रहा है इस हिस्से का, ठीक है। जेजुनम को मध्यांत और डेडोनम को ग्रहणी बोलेंगे। ये अनकॉइल्ड होता है, ये साइलेंटली कॉइल्ड होता है, ये क्या होता है सर, ये साइलेंटली कॉइल्ड होता है, ओके, और ये हाईली कॉइल्ड होता है, इतना ज्यादा कॉइल्ड होता है कि एक के ऊपर एक ऐसे नुथाए हुए लगते हैं, यस और नो। चलिए याद रखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो टोटल लेंथ होती है, इसके ऊपर एसएससी में सवाल पूछ चुका है सर, ये कितनी होती है, तो सर ये अराउंड 6.5 मीटर के आसपास या 6.25 मीटर, कई बुकों में आप लोग इसको 6.25 मीटर भी पढ़ सकते हो, तो 6.25 मीटर या 6.5 मीटर के आसपास होती है, ठीक है, करेक्शन कर लेना 6.25 मीटर अराउंड। यहां पर इलियम जो है सर, ये जो इलियम है जो सबसे ज्यादा कॉइल्ड सेक्शन होता है पूरा का पूरा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसका क्या होता है सर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा पार्ट यहाँ पर समाप्त हो जाता है और इस समाप्ति के साथ ही डाइजेशन भी होता है कंप्लीट। कहाँ पर पूछा जाए सवाल कि ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन कहाँ कंप्लीट माना जाता है, तो सर वो पार्ट है इलियम। इलियम इज द फाइनल पॉइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन।
और यहां से इलियम के बाद जो आपका बचा हुआ खाना है वो कहां भेजा जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का एक बस इनिशियल पॉइंट होगा, ध्यान से समझो, ये देखो ये है आप लोग का इलियम, फाइनल पॉइंट जो किससे जाके कनेक्ट हो रहा है सर, इस बड़े से मोटे से लार्ज इंटेस्टाइन से, जिसकी जो लेंथ रहती है वो नियर अबाउट 1.5 मीटर के आसपास रहेगी। तो लार्ज इंटेस्टाइन से इलियम जाके कनेक्ट होगा और यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में क्या पाया जाता है सर, सीकम पाया जाता है। सीकम क्या होता है, तो सीकम अपने आप में समझ लीजिए बहुत सारे बैक्टीरियाज का घर है और ये इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज हैं जो कि हमारा फूड मटेरियल जिसका पूरा डाइजेशन होके कहां पहुंचा है सर, लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे ये इंटर किया है, तो ये जो सीकम है सर यहाँ पर ऐसे बैक्टीरियाज होती हैं जो भी अतिरिक्त और सप्लीमेंट जो इसेंशियल होंगी बॉडी की उनको अलग करेंगी, बाकी का जो भी रेस्ट पार्ट है जो कि वेस्ट पार्ट है उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगी। क्योंकि हम लोग खाना खाते समय तो बहुत सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, हम सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं, हम लोग बहुत सारे पेय पदार्थ भी कंज्यूम कर रहे हैं, बट हमारा जो मल निकलता है वो साधारण रूप से क्या होता है सर, सॉलिड फॉर्म में रहता है ना सामान्यता, तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा कौन सर, सीकम में कन्वर्ट होगा। और याद रखना यही सीकम में एकाध जो वेंस अगर एक्सेसिव बढ़ जाती हैं तो वो अपेंडिक्स होता है, और अपेंडिक्स आप लोगों को पता है काफी दर्दनाक स्थिति हो जाती है जब अपेंडिक्स काफी ज्यादा लंबा हो जाता है। तो ठीक है, तो सीकम का मेन काम यही है कि वेस्ट मटेरियल को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे पुश कर देना, आगे बढ़ा देना। अब ध्यान समझिए, आगे बढ़ता है तो इसमें जो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये फर्दर दो से तीन भागों में बढ़ता है। पहला सर असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन मतलब जो वेस्ट मटेरियल यहां पर आप लोग का बना है ना सर, ये यहां पर आप लोग का वेस्ट मटेरियल बना है, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा मतलब असेंडिंग हो रहा है, ये सर नो। फिर दूसरा ये देखो ये क्या हो रहा है सर, ट्रांसवर्स मोशन कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं सर, ट्रांसवर्स कोलोन, ये जो हिस्सा है। और तीसरा हिस्सा जो नीचे वाला है इसको हमने कहेंगे सर डिसेंडिंग कोलोन। तो आप लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन सेक्शन थे, कौन कौन, डेडोनम, जेजोनम और इलियम। इलियम वो सेक्शन था जहां पर खाना पूरी तरह से पच चुका रहता है, और इलियम है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जॉइंट पॉइंट, ठीक है, या स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पॉइंट कौन है, इलियम, और जो अपना लार्ज इंटेस्टाइन है उसका इनिशियल पॉइंट कौन है सर, सीकम, ठीक है। चलिए यहां से ये चीजें याद रखना, और तीन चार सेक्शन में हम लोग इसको बांटते हैं, और लास्ट सेक्शन होता है सर सिग्मोइड कोलन। सिग्मोइड कोलन मतलब ये सिग्मा सिग्मा साइन कर्व ऐसा चलता है ना, तो इसी तरीके से आप लोग को दिखता है। उसके बाद फिर आप लोग का रेक्टम और एनस ये सारे पार्ट आ जाएंगे। तो होप सो ये पूरा डायग्राम आप लोग को अच्छे से समझ में आया। बाकी पेंक्रियाज, गॉल ब्लेंडर, स्टमक, इन सबका क्या रोल है, उनसे कौन कौन से हार्मोन्स एंजाइम सब सिक्रीट होती हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है, ये हमने हाईली डिटेल में पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। चलो दोस्तों, तो यहां तक की मुझे लगता है पूरी बातें आप सब लोग को समझ में आ गई है कि जो इलियम है यहाँ पर पाचन क्रिया क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो पूछा जाए हमारे बॉडी में पाचन क्रिया कहां समाप्त होती है, तो इलियम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में। और डाइजेशन जब कंप्लीट हो जाता है इलियम में, तब उसे हम लोग कहां भेजते हैं, बिग इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसमें पाचन नहीं होता, केवल वो केवल क्या होता है, फेकल मटेरियल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वहां पर प्रोड्यूस होता है। समझ में आ रही बातें। चलो, जैसे मैंने पूरा का पूरा आप लोग को लार्ज इंटेस्टाइन के सारे सेक्शन को भी पढ़ा दिया, अब उसकी सारे सेक्शन के बारे में थोड़ा सा बाद में जानना, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के सारे पार्ट तो आपने जान लिया, डेडोनम, जेजोनम और इलियम, उनकी एप्लीकेशंस को थोड़ा सा आप लोग यहां पर समझेंगे। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना सर, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बड़े सारे जूस बनते रहते हैं, जो रस बनते रहते हैं, और यही रस क्या कहलाते हैं, इंटेस्टाइन जूस के नाम से जानते हैं, या इसी को आप लोग सक्कस इंट्रियस के नाम से भी जानोगे। समझ में आ रहा है, तो ये उसका नाम है जो इंटेस्टाइन जूस बनता है। ये याद रखना इसका पीएच वैल्यू भी नियरली आप लोग का 7.5 से 8.2 के आसपास होगा, मतलब ये भी साइलेंटली क्या रहेगा सर, बेसिक रहेगा, क्षारीय रहेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब ध्यान समझिएगा, ये जो हमारा जूस है जो इंटेस्टाइनल जूस के नाम से जाना जाता है, ये फर्दर कुछ हार्मोन्स और कुछ एंजाइम्स दोनों को कैरी करेगा। एंजाइम्स में याद रखना, आप सबको पता है कि स्टमक से निकला हुआ जो काइल है, वो काइल बनने के लिए कहां पहुंचा है आप लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैंने बार बार बताया, मुख में भोजन का डाइजेशन होता है, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट का, 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस, जब मुख से निकलता है वो डाइजेस्ट होके, जिसमें आपकी लार ग्रंथियां लपेट दी जाती हैं, ठीक है, मतलब लार ग्रंथियां नहीं, लार लपेटा जाता है, वो भी पीएच वैल्यू उसकी भी साइलेंटली बेसिक रहती है। नेक्स्ट, जब वो नीचे उतरता है स्टमक में पहुंचता है, वहां खाना जब डाइजेस्ट होकर बाहर निकलता है जठर रस से मिलकर, मतलब गैस्ट्रिक जूस से मिलकर, गैस्ट्रिक हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। याद आ रहा है ना सारी बातें, ये सब पॉइंट्स हैं, ये सब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो जो मैं आपको एडिशनल चीजें बता रहा हूं। वो फिर क्या होता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं सर, उसको हम नाम देते हैं
पढ़े थे, काइम नाम देते हैं। फिर वो कहाँ पहुंचता है, फिर सर वो पैंक्रियाटिक जूस और वो आप लोग का बाइल जूस सबको लपेटे हुए पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके थ्रू, डेडोनम के थ्रू। और वहां पर जब पूरा डाइजेशन होता है फैट का, प्रोटीन का, मिनरल्स का, आपका कार्बोहाइड्रेट का, तो वो जो वहां पाचन हो रहा है, वो पाचन भी ऑब्वियस सी बात है कुछ हार्मोन्स कुछ एंजाइम्स के प्रेजेंस में होगा। तो ये एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स का मतलब ही क्या होता है कि लो रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा बढ़ा देते हैं, जल्दी जल्दी कराते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर एंजाइम्स है जिसमें आप लोग याद रखेंगे, एक है सर आप लोग का एमाइलोपैक्टिन, या इसी को आप लोग, ये सर एन नहीं है, इसको आप लोग एम करेंगे, ये एम है, ठीक है, एमाइलोलाइटिक, ये लाइटिक है सर, एल है ये, एमाइलोलाइटिक एंजाइम। एमाइलोलाइटिक एंजाइम का मतलब क्या होता है सर, एमाइलो मतलब अमाइनो एसिड से याद रखना, जो उसको तोड़ने का काम करेगा, ठीक है। जो आप लोगों ने पता है कि भैया ये टूटता है अमोनिया यूरिया इन सब में अलग अलग सप्लीमेंट में टूट के, फिर हमारा किडनी उसको डायलिसिस करके क्या करेगा, बॉडी से सीक्रेट आउट करेगा, कारण यही है, एस्केप आउट करेगा, कारण यही है क्योंकि वो पॉइजनस हो जाते हैं, या कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस मान लो यहां पर हो जा रहा है, डाइजेशन हो जा रहा है। लिपोलाइटिक, लिपो का मतलब क्या होता है सर, एमाइलो मतलब एमाइनो एसिड, लिपो का मतलब वसा, तो वसा का जो पाचन होगा वो किस एंजाइम के कारण होगा, तो भैया लिपोलाइटिक। हमने पढ़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग 50% फैट और जो हमारा प्रोटीन है दोनों का डाइजेशन होना है, बाकी 50% तो स्टमक में हो चुका है, अग्नाशय में हो चुका है, सॉरी अमाशय में हो चुका है, अग्नाशय मतलब आपका गॉल ब्लैडर होता है। दूसरा प्रोटोलाइटिक एंजाइम, प्रोटो नाम से ही क्लियर है प्रोटीन वर्ड छुपा हुआ है, प्रोटो नाम से ही क्लियर क्या है सर, यहाँ पर प्रोटीन वर्ड छुपा हुआ है, तो ये प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। लैटिक का मतलब ही क्या होता है सर, लैटिक मतलब होता है सर ब्रेक डाउन, तोड़ना, तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स टूटेंगे। अब कैसे कैसे टूटता है ये तो आपको पता है, पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट 70% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आप लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये फर्दर टूटता है आपका डेक्सट्रोज ग्लूकोज फ्रक्टोज माल्टोज गैलेक्टोज इन सारे सप्लीमेंट में टूटता है, याद रहेगा सब कुछ। सिमिलरली आप लोग का जो फैट रहता है, फैट ग्लिसरॉल ग्लिसरेल्डिहाइड फैटी एसिड इन सब में टूट जाएगा, प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूट जाएगा, तो ये सारी की सारी टूट के हमारे बॉडी को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या एंजाइम्स यूज होंगे ये लिस्ट आप लोग को क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है सर क्या क्या हार्मोन्स यूज होते हैं, तो हार्मोन्स में याद रखना सर डियोक्रिनिन है, ये एंट्रो, इसको थोड़ा करेक्शन कीजिएगा, यहाँ पे डब्ल्यू नहीं है, ठीक है, तो इंट्रो गैस्ट्रोन है, विलिकिनिन है, ठीक है, और आप लोग का पोलियोसाइटोकिनिन, ये टोटल चार टाइप के हमारे डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो कहाँ मौजूद रहते हैं सर, स्मॉल इंटेस्टाइन के आप लोग के इंटेस्टाइनल जूस के अंदर मौजूद रहेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां से क्या होता है कि पूरा का पूरा भोजन का जब कंप्लीट पाचन है, याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत का काम है भोजन का पाचन करना, बड़ी आंत उसमें भी आंत वर्ड है इंटेस्टाइन है, बट वो भोजन का पाचन नहीं करता बल्कि मल का निर्माण करता है, फेकल मैटर का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए ध्यान से समझेंगे, तो एंजाइम हमारे शरीर में किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देते हैं, सारे एंजाइम किस किस पर्पस के लिए यूज होते हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ये प्रोटीन को तोड़ेगा, ये फैट्स को तोड़ेगा, ये कार्बोहाइड्रेट या अमाइनो एसिड्स इन सबको ब्रेक करने का काम करेगा। चलिए अब दोस्तों हम लोग बढ़ने वाले हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंपॉर्टेंट जो पदार्थ हैं उन लोगों को कौन कौन से एंजाइम एक्सेलरेट करने का काम करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का 70% डाइजेशन यहां पर होना है जो कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, तो ये नाम याद रख लेना, अगर टफ पेपर कभी पूछ देता जाता है, अगर टफ पेपर आ रहा है तो इस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं कि भैया छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट किस एंजाइम से प्रेरित होता है या उसका पाचन कौन सा एंजाइम शीघ्रता से कराता है, तो भैया कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम। प्रोटीन जिसका 50% डाइजेशन आप लोग का स्टमक में हो चुका है, 50% डाइजेशन आप लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, वो हमारा काइनोट्रोपिस, एक मिनट इसको करेक्शन करेंगे सर, ये काइनोट्रोप्सिनोजेन और ट्रिप्सिनोजेन के प्रेजेंस में होता है, ट्रिप्सिनोजेन के प्रेजेंस में, इन दोनों के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, थोड़ा करेक्शन कर लेना स्पेल में। बाकी फैट जो है सर, फैट आप लोगों को पता है इंटेस्टाइनल लाइपेस के प्रेजेंस में होगा, अमाइनो एसिड ये ट्रिप्सिनोजेन जो है ना इसको भी एक्चुअल में प्रोटीन में ही मिलाओ, ट्रिप्सिनोजेन यहां पर मैंने लिख रखा है, इसको काट लीजिएगा। बाकी न्यूक्लिक एसिड जो होता है न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज इन एंजाइम्स के प्रेजेंस में होता है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जब टूटता है तो आपको पता है न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड में बनता है, न्यूक्लियोसाइड मतलब दो मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोटाइड मतलब तीन मॉलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल में सारी चीजें आप लोग समझते हैं। विटामिन्स और जो मिनरल्स रहता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर एंड अल्कोहल, ये सारी चीजें
कहां पर पाचन होंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत ये सारी चीजों का पाचन होगा। इनफैक्ट पिगमेंट्स जो होते हैं खानों में, जो हम लोग रंग डालते हैं, जैसे आप लोग कहीं जा रहे हैं मंचूरियन खा रहे हैं या फ्राइड चिकन खा रहे हैं, तो लोग उसको थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए या पुलाव में भी डिफरेंट टाइप के कलर्स डालते हैं, तो ये कलर्स का भी पाचन कहां हो रहा है, पिगमेंट्स का भी पाचन कहां हो रहा है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो ये सभी एंजाइम जो है ना, ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल जो हमारे फूड मटेरियल्स हैं, इन सबको क्या करते हैं, उनके जो मिनरल्स हैं, उनके जो प्रोटीन फैट है, उन सबको जल्दी जल्दी पाचन करने में मदद करते हैं। तो ये एक एडिशनल नॉलेज वाला सेक्शन है, याद रख लिया रहना बस। चलो अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन। एक बार फिर से हम लोग डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं। डायग्राम को थोड़ा सा आप लोग फिर से ध्यान से देखिए। मैंने आप लोग को अभी अभी यहां पर पूरा बात बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहां पर खत्म होता है, सर इलियम पे। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, नीले कलर से बोल रहा हूं मैं इसको, इलियम, जेजुनम और हमारा ड्यूडेनम, ये मेन पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये अनकॉइल्ड होता है, ये साइलेंटली कॉइल्ड होता है और ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड होता है, ठीक है। अब यहां से हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ने जा रहे हैं, जिसको रेड कलर से देखने वाला हूं मैं, जिसमें आप लोग सबसे पहले तो चलो सीकम से इंटर करोगे, ठीक है, लास्ट में सीकम से हम लोग इंटर करेंगे। अच्छा सुनेंगे बात को। इसके अलावा जो मेन इसका जो पार्ट होता है सर, वो होता है असेंडिंग कोलोन। क्या होता है सर, असेंडिंग कोलोन, मतलब कि आरोही कोलोन के नाम से जाना जाएगा। दूसरा है हमारा सर ट्रांसवर्स कोलोन, अभी अभी मैंने ये बातें पढ़ाई थी। फिर डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन, ये चार इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं, इन सबको आप लोग को याद रखना। जिनको रेड कलर से मैंने मार्क किया है वो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है, और जिनको मैंने ब्लू कलर से मार्क किया था वो स्मॉल इंटेस्टाइन के मेजर पार्ट से। बाकी इसके अलावा लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर, पेंक्रियाज, ये सब तो आपको पता है, स्टमक, पेंक्रियाज, ये राइट कोलिक फ्लेक्चर है, ये डेडोनम, ये सब तो आप लोग को पहले से पता है ना। अच्छा ये डेडोनम और उसका जंक्शन है, एक मिनट, इसको हम लोग को मार्क करना चाहिए था, ठीक है, ये था डेडोनम, ओके इसको हटा लो। ये तो जंक्शन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर डेडोनम जो है वो आपका जेजुनम से क्या हो रहा है, मिक्सअप हो रहा है, मिल रहा है। चलो तो ये पूरी पार्ट आप लोगों को समझ में आई। अब इनका आखिरी पॉइंट क्या होता है सर, आपको पता है रेक्टम और एनल होता है, जिसको आप लोग गुदा या गुहा कहते हैं, ठीक है। चलिए तो ध्यान से समझेंगे यहाँ पर सारी चीजों को। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन आप लोग पढ़ रहे हैं, सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, सिकम पार्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं सर, सिकम। सिकम है, सिकम जिसको आप लोग अंडुक का नाम देंगे, किसका नाम देंगे, अंडुक। और फिर हम आता है कोलोन। ये कोलोन आप सबको पता है तीन टाइप का लेंगे, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स और सिग्मोइड, टोटल चार लेंगे, ठीक है। कोलोन को कितने पार्ट में लेंगे, चार। और लास्ट पॉइंट आता है जिसको आप लोग बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम मतलब मलाशय, मलाशय का हिंदी नाम अगर इसको संधि विच्छेद करोगे तो मल का आशय, मतलब जहां पर मल निवास करता है। याद रखेंगे यहां पर जो हमारा फेकल मैटर है, जो मल है, वो बैठे रहता है, तो शरीर से भी बाहर नहीं निकला है, बाहर तो उसको आपका एनल पॉइंट से निकलना है, ओके। तो भैया यहाँ पर मलाशय, रेक्टम पॉइंट, वो एक थैली जैसा रहेगा जहां पर मल क्या रहता है, बैठे रहता है, फिर दिमाग उसको सिग्नल देता है। कुछ वहां पर ऐसे भी सेक्शन टाइप के हमारे, मैं दिखाऊंगा आपको डायग्राम बना के, टेंशन ले लीजिएगा, जो ऐसे कुछ कहना चाहिए कि धमनी सिराएं लगी रहती है ताकि वो मल अब सीधे सीधे बाहर ना निकल पाए, दिमाग जब ऑर्डर देगा तब वो बाहर निकलता है, ठीक है। चलिए तो सिकम जो होते हैं, जिसे अंडुक बोलेंगे, सबसे पहले इस पार्ट को दोस्तों आप लोग क्लियर कीजिए। सिकम में मैंने आप लोग को बताया, वापस एक बार डायग्राम को मैं दिखा देता हूं, कि भैया सिकम में एक्चुअल में क्या होता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं, मतलब लाभदायी जीवाणु होते हैं, जिनका मेन पर्पस क्या है, तो कन्वर्ट सॉलिड वेस्ट टू फेकल मैटर, मतलब कि जो भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन पदार्थ जो मिला है, पूरी तरह से पाचन, उसका पूरा सारा मिनरल्स, उसका पूरा सारा एनर्जी शरीर को बांट दिया गया। अब जो वेस्ट मटेरियल है वो पहुंचाया जा रहा है ईवीएम के थ्रू, कहां पर, सिकम में। और सिकम क्या है, तो भैया ये ठोस अवशेषी पदार्थ को मल में परिवर्तन करने का काम करता है, मतलब वेस्ट मटेरियल में बदलने का काम यही करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की पूरी फौज बैठी हुई है ना, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमारा सिक्कम है ना सर, इस सिक्कम में इतने सारे सिम्बायोटिक, ये पूरा हिस्सा सिक्कम में मान लीजिए, तो मनमाने बैक्टीरियाज हैं। और इन बैक्टीरियाज का मेन फंडा क्या है, तो सर ये जितने भी हमारे सॉलिड मटेरियल्स हैं उनको किसमें, फेकल मैटर में कन्वर्ट करने का काम कर रही है, मतलब कि भोज्य पदार्थ का आखिरी जो भोज्य पदार्थ, जो बचा खुचा भोज्य पदार्थ है, उसको यहाँ पर मल में बदलने का मेन काम कौन कर रहा है, सिकम कर रहा है। सिकम में क्या है, तो सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज की पूरी फौज है, ठीक है। अब यहां से जो भी चीजें आगे बढ़ेंगी, जो कि असेंडिंग कोलोन से होते हुए, ट्रांसवर्स कोलोन से होते हुए कहां पहुंचेंगी सर, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन तक पहुंचेंगी। यहां तक में आप लोग सभी लोग समझिएगा कि ये पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल है, हमारे बॉडी को इसकी कोई नेसेसिटी खास नहीं है। और रेक्टम, ये देख रहे हो एकदम थैली की तरह दिख रहा है,
ये यहाँ पर आके क्या होता है, मल जमा होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, मलाशय का नाम देते हैं। यहाँ पे मल क्या होता है, जमा होता है, और लास्ट में कहाँ से एक्सक्रीट करता है सर, तो भैया एनल कैनल से, मतलब कि जिसे हम लोग हिंदी में गुदा कहते हैं, ठीक है, यहाँ से ये बाहर निकलेगा। ओके चलिए, तो सारी पार्ट्स आप लोग को डायग्राम के साथ चीजें समझ में आ रही हैं। अब थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट को ध्यान से देख लीजिएगा, सिक्कम का क्या काम है, ये सारी बातें चीजें समझ में आई। इसके अलावा सिक्कम में एक और खास बात है कि सर ये विटामिन के का एब्जॉर्प्शन भी करते हैं, और ये विटामिन के आप लोगों को पता है कि भैया ब्लड के क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें कुछ कुछ अलग से सिक्कम के अंदर कुछ जो स्पेशल टाइप के एंजाइम्स रहेंगे उनका लिस्ट दिया हुआ है, हालांकि इतना डिटेल में जाके कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलो अब नेक्स्ट आते हैं सर कोलोन, जिसको आप लोग ब्रेद्रांत कहते हैं, क्या कहते हैं सर, ब्रेद्रांत के नाम से जानेंगे। अब कोलोन में क्या होता है सर, असेंडिंग कोलोन, जो ऊपर पहुंचाने का काम करेगा। ये देखो सिक्कम से निकला, सिक्कम ने पूरा का पूरा क्या किया, जितना भी फूड मटेरियल इलियम से सिक्कम के पास पहुंचा था, मतलब लास्ट में बचा कुचा जो माल है उसको मल में कन्वर्ट कर दिया उसने, फेकल मैटर के अंदर कन्वर्ट किया, फिर असेंडिंग कोलोन पहुंचा ये सारी चीजें, और फिर असेंडिंग कोलोन से हमारा कहां पहुंचने वाला है सर, ये असेंडिंग कोलोन से ट्रांसवर्स कोलोन से होता हुआ कहां पहुंचेगा सर, डिसेंडिंग कोलोन के पास पहुंचेगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ कुछ जो कॉइल्स होते हैं, इन कॉइल्स का भी नाम अगर पूछ दिया जाए तो याद रखना जो टिनिया कॉइल है, इसके ऊपर सवाल पूछ चुका है शायद एक आध इंटरव्यू में पूछा गया है मेरे ख्याल से, मैं सुना हूं इसको, टीनिया कॉइल कहाँ रहता है, तो याद रखना सर टीनिया कॉइल जो है, इसको थोड़ा बड़ा करता हूं दोस्तों, अच्छे से दिखेगा आप, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है, जो टीनिया कॉइल है सर वो डिसेंडिंग कोलोन, मतलब ये नीचे उतर रहा है डिसेंडिंग, ये ऊपर उठ रहा था एसेंडिंग, और ये ट्रांसवर्स वेव की तरह चल रहा है, तो इसको हम लोग ट्रांसवर्स कोलोन के नाम से जानते हैं, ये साइन कर्व की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको सिग्मोइड कोलोन के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा का पूरा याद रखना, ठीक है। तो जो टीनिया कॉली होती है वो कहाँ पर पाई जाएगी सर, आप लोग डिसेंडिंग कोलोन के अंदर पाया जाता है, और ये जो एडिशनली ये जो हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है इसको अपेंडिक्स बोलते हैं, हालांकि इसका ऑपरेशन करना पड़ता है अगर ये ज्यादा एक्सटेंड हो जाए, बहुत असहनीय दर्द होता है इंसान को इसमें। बाकी मलाशय को किस नाम से जानोगे सर, रेक्टम के नाम से जानोगे। अब इनके अब सारे यूजेस देख लो, ठीक है, सारे पूरे पार्ट्स आप लोग को समझ में आ गए। तो इन सबका काम यही है कि ये लोग मल को क्या करते हैं, धीरे 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 आगे बढ़ाएंगे, और कहां तक पहुंचा देंगे सर, इसको पहुंचा देंगे हमारे समझ लीजिए रेक्टम तक, ठीक है। ये एक्चुअल में सिग्मोइड जो फ्लेक्चर है और रेक्टम के बीच में यहां पर एक ऐसा ना विंस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, ध्यान से देखेंगे सब लोग, यहाँ ऐसा ना एक ऐसा बने रहेगा। अब ये क्या रहता है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग गुदा पेशीय मांसपेशियों के नाम से जानते हैं, गुदा संकुचित मांसपेशियां, मतलब कि ये थोड़ा सा क्या करती हैं, जो यहाँ पर आप मान के चलिए कि जो आपका यहाँ रहेगा, ठीक है, तो ये गुदा संकुचित मांसपेशियां हैं, मतलब कि जो भी मल यहाँ पर इकट्ठा हुआ है रेक्टम में वो अपने आप बाहर नहीं आएगा, वो दिमाग सिग्नल देगा, प्रेशर अप्लाई होगा, तब फिर वो क्या होता है, फिर एनल पॉइंट से क्या होता है, बाहर निकलता है। आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि जो बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन लोग को पता भी नहीं चलता है, और फिर उन लोग का जो मल होता है वो सीक्रेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो याद रखेंगे, तो अगर उनका मल अगर बाहर निकल रहा है तो आप लोग को उसमें बिल्कुल भी बुरा नहीं मानने की जरूरत नहीं है। कारण ये है क्योंकि एक समय के बाद दिमाग प्रॉपरली फंक्शन करना धीरे धीरे कम कर देता है। तो उसके उसमें देखिए, उसमें जो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ढंग का डॉक्टर है, तो कभी भी ना अगर कोई पेशाब कर दिया, कोई मल कर दिया, तो उन लोग उसमें बिल्कुल भी कहना चाहिए कि कोई डॉक्टर दुनिया का ना परेशान नहीं होता, क्योंकि वो जानता है उस चीज को, जानता है कि वहां पर एक समय के बाद वो जो मांसपेशियां रहती है वो थोड़ी सी क्या होती है, ढीली पड़ जाती है, और इसलिए जो रेक्टम होता है वो जो मलाशय है, मल को वो होल्ड करके नहीं रख पाता और वो कभी भी बॉडी से बाहर आ जाती है। बट हाँ, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, गिनाने वाले लोग हैं भैया, वो लोग फिर उनको बुरा मानते हैं, ठीक है, और फिर प्रार्थना करने लगते हैं अपने घर के लोगों के लिए कि भैया ये सब करना पड़ जा रहा है। बट आप ये इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि साइंस आप पढ़ें, जितना ज्यादा आप अपने बॉडी के बारे में जानेंगे आपको खुद से भी प्यार होगा और आपके अपने लोगों से भी आपको प्यार होने लग जाएगा। तो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है साइंस पढ़ने की, ठीक है। तो होप सो यहां तक हमने पूरा का पूरा हमारा क्या है, जो पाचन तंत्र है उसको कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अगले क्लास में शरीर के कुछ नए हिस्सों से हम लोग नई बातें, नए तथ्य को जानेंगे, और जितना हम लोग धीरे धीरे ये सारी चीजों को पढ़ते जाएंगे, अगर कोई स्टूडेंट इसको सीरियसली पढ़ रहा है तो एग्जाम में तो उसके अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि एक सेक्शन ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे और वो मेरे क्लास से बाहर आए, ये फैक्ट रहेगा, ठीक है। बहुत सारी चीजों को आदमी एक साथ समराइज करके आप लोग के बीच में लाता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में टॉपिक वाइज कंटिन्यू कराते जा रहा हूं। तो आप लोग बस इस पूरे के पूरे जर्नी का इंजॉयमेंट लेते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए,
और धीरे धीरे आप लोग को अपने मानव शरीर से भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट होने लगेगा। तो जो बुरी आदतें हैं लाइक एल्कोहलिक कंजप्शन है, एल्कोहल कंजप्शन है, सिगरेट है, सिगरेट 6 डिफरेंट पॉइजनस सप्लीमेंट का मिक्सचर है, मैंने बताया था, ठीक है, उसमें तो कहना चाहिए कि हाइड्रोजन साइनाइड जैसे भी कुछ पार्टिकल्स रहते हैं जो कि एकदम स्पॉट डेथ करने वाले जहर हैं। तो इन सब के बारे में भी आप लोग का धीरे धीरे, अगर आप साइंस अच्छा पढ़े और अपने आप को लेकर थोड़े से अवेयर हो, तो उन सब बुरी आदतों से भी आप दूर होने लगेंगे। तो पढ़ाई के साथ अच्छाई भी। मिलते हैं दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिए, सारा पार्ट को कवर करके रखिएगा। ऑल द बेस्ट।